अरुण जेटली के निधन पर देश भर में शोक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अरुण जेटली के आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। कहा, एक प्रखर वकील, अनुभवी सांसद और उत्कृष्ट मंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। बहरीन में भर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें। अपने जिगरी दोस्त अरुण जेटली को दी श्रद्धांजलि। मेरा दोस्त अरुण चला गया। पीएम मोदी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुण जेटली को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने जेटली के परिवार से की बात। बेटे रोहन ने भी पीएम मोदी से कहा, दौरा छोड़ कर ना आए। अरुण जेटली के निधन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, जेटली जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। जेटली जी का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अरुण जेटली को दी श्रद्धांजलि। श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके आत्मा की शांति के लिए दुआ की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अरुण जेटली के निधन पर जताया दुख। कहा, वो एक प्रसिद्ध अधिवक्ता, अच्छे वक्ता, प्रशासक और सांसद थे। अरुण जेटली के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुख जताया। कहा, सार्वजनिक जीवन में जेटली के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अरुण जेटली के निधन पर खेल जगत भी हुआ भावुक। तमाम दिग्गज खिलाड़ियों ने दी श्रद्धांजलि। गौतम गंभीर ने अरुण जेटली को बताया पिता जैसा। विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले एलजेपी नेता रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा, अरुण जेटली न केवल देश के महान नेता थे बल्कि कानून के महान ज्ञाता थे और सबसे बड़ी बात, एक अच्छे इंसान थे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, देश की राजनीति में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जी का निधन मेरी निजी क्षति है क्योंकि मेरे बड़े भाई अब मुझे छोड़कर चले गए। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने दुख जताया और एक तस्वीर साझा की। फोटो के साथ उन्होंने लिखा, हम क्रिकेट में साथ थे। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि अरुण जेटली जी के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को मेरी हार्दिक संवेदना। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दुख जताया। कहा कि आज देश कई क्षेत्रों में विकास पथ पर चल रहा है, ऐसी घड़ी में उनका योगदान आवश्यक भी था और महत्वपूर्ण भी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, वे अद्भुत नेतृत्व और असाधारण प्रतिभा के धनी थे। हम सभी को उनकी बहुत याद आएगी। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरुण जेटली के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने अरुण जेटली के निधन पर शोक जताया। कहा, अरुण जेटली जी एक कुशल वक्ता, सफल अधिवक्ता और सौम्य राजनीतिज्ञ के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। शोकाकुल परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेटली के असमय निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे देश के लिए बड़ी क्षति बताया। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं एवं प्रार्थना उनके परिवार के साथ हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया। कहा, भारतीय राजनीति में उनके योगदान को याद किया जाएगा। उनकी पत्नी, बच्चों, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ मेरी संवेदनाएं। आज पंचतत्व में विलीन होंगे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली। बीजेपी मुख्यालय पर अंतिम दर्शन के लिए तांता, दोपहर 2:30 बजे निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार। पीएम मोदी ने बहरीन में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। कहा, बहरीन के लाखों दोस्तों से संवाद का मौका मिला। 5000 साल के रिश्ते को ताजगी देना मकसद। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान 26 अगस्त को पेरिस में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी। बहरीन में आज पीएम मोदी 200 साल पुराने श्रीनाथ जी के मंदिर के जीर्णोद्वार की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, मंदिर जाकर बहरीन देश की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करूंगा। यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री मोदी। क्राउन प्रिंस ने ऑर्डर ऑफ जायद से किया सम्मानित। द्विपक्षीय बातचीत में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बहरीन में आज जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी और सौर ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर बनी बात।
यूएई के बाद बहरीन ने भी पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिनेसियंस से किया सम्मानित। पीएम ने बहरीन में भारतीयों से कहा, हमारा संबंध संस्कारों का है। भारत और बहरीन के बीच 3 एमओयू साइन। बहरीन का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी। बहरीन दौरे के बाद पीएम मोदी आज एक बार फिर फ्रांस जाएंगे। फ्रांस में पीएम मोदी G7 की बैठक में शामिल होंगे। G7 शिखर सम्मेलन में 7 सदस्य देशों के अलावा 12 विकासशील देश और दुनिया की प्रमुख संस्थाएं होंगी शामिल। G7 में सदस्य देशों के बीच व्यापार, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और लैंगिक समानता पर होगी चर्चा। अफ्रीकी देश के हालातों पर भी होगी बातचीत। मंदी पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद बहुत मजबूत है। मूडीज ने हाल ही में आर्थिक मंदी के संकेत दिए हैं। श्रीलंका के बाद मालदीव भी आया भारत के समर्थन में। पाकिस्तान को साफ साफ कहा, अनुच्छेद 370 को हटाए जाना भारत का आंतरिक मामला। बीजेपी नेताओं ने विपक्षी नेताओं के श्रीनगर जाने को बताया अलगाववादियों की मदद करने वाला। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, कांग्रेस पाकिस्तान और इमरान खान की भाषा बोल रही है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने किया अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन। राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा, हिम्मत है तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में राजनीति करो। राहुल की अगुवाई में विपक्ष की श्रीनगर यात्रा से मिला पाकिस्तान को मौका। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, राहुल गांधी के हौसले को सलाम। श्रीनगर से बैरंग लौटाए जाने के बाद विपक्ष ने लगाया सरकार पर सच छिपाने का आरोप। राहुल बोले, हालात नहीं सामान्य। सत्यपाल मलिक ने कहा, अभी नहीं थी आने की जरूरत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में अबूझमाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 5 नक्सली ढेर, 2 जवान घायल। सुकमा में मध्य प्रदेश के सतना टेरर फंडिंग केस को लेकर गरमाई सियासत। शिवराज सिंह का दिग्विजय सिंह पर पलटवार, कहा, चुनाव में हार के बाद से बोल रहे हैं कुछ भी। 3 तलाक कानून पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के राजी होने पर उलेमाओं ने खुशी जाहिर की है। सहारनपुर के देवबंदी उलेमाओं के मुताबिक सरकार ने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाते हुए 3 तलाक कानून लागू कर दिया। बदायूं में पुलिस लाइन इलाके में नाले के पास नवजात बच्ची मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने नवजात बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद उसे चाइल्ड केयर सेंटर को सौंपा गया, जहां कर्मचारी बच्ची की देखभाल कर रहे हैं। फरुखाबाद में भी एक झोला छाप डॉक्टर ने एक मासूम की जान ले ली। आरोप है कि बच्ची का ऑपरेशन कर दिया। वाराणसी में जल पुलिस की चौकी में जमा हुए पानी और गाद की सफाई बच्चों से कराए जाने का वीडियो वायरल। इस दौरान 2 बच्चों पर गिरा गेट। हाथरस में टीबी अस्पताल में भर्ती युवती से अस्पताल स्टाफ पर रेप का आरोप। पीड़ित युवती की मां के मुताबिक स्टाफ ने इंजेक्शन लगाने के नाम पर उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद में शादी के 7 महीने बाद नवविवाहिता का शव फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। बहराइच में पुलिस को मिला नाबालिग लड़की का शव। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने पड़ोसी के खिलाफ केस दर्ज किया। देहरादून में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने से राजधानी के अस्पतालों में बेड की भारी कमी। स्ट्रेचर पर ही डेंगू के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में जेल में तैनात महिला प्रहरी के साथ छेड़छाड़ में नहीं हो रही कार्रवाई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद अब तक नहीं हुआ एक्शन। चंबल कमिश्नर के भतीजे पर है छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस की सफाई, जांच है जारी, नियमानुसार की जाएगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में जारी है आफत की बारिश का दौर। भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कलियासोत डैम के पास धारा 144 लागू। छत्तीसगढ़ में भी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। छत्तीसगढ़ में दांडी मार्च कर बापू का संदेश देंगे बीजेपी के सांसद। पीएम मोदी को दी जाएगी यात्रा की रिपोर्ट। 150 किलोमीटर की पदयात्रा से तैयार होगी सांसदों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। भारत समेत दुनिया के कई देशों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। मथुरा में उमड़े लाखों श्रद्धालु। पेरिस में भी कृष्ण भक्तों ने किया गोपाल कृष्ण का स्वागत। देश में फिलहाल 3,287 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। RTGS से ट्रांजेक्शन के समय को 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। अब ग्राहक 26 अगस्त से सुबह 8 बजे की बजाय सुबह 7 बजे से ही RTGS के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। MP के जबलपुर की रागनी मार्को ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में लहराया तिरंगा। स्विट्जरलैंड की जोड़ी को हराकर जीता गोल्ड। जूनियर मिक्स टीम में रचा इतिहास।
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत को 260 रन की बढ़त। दूसरी पारी में कोहली रहाणे ने जड़ा अर्धशतक। वेस्टइंडीज की पारी 222 रन पर सिमटी।